तो कल हमने स्टार्ट किया था रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की डेफिनेशन समझी थी कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या होता है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है. तो वहीं से स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स. तो नोटबुक में लिखना स्टार्ट करिए व्हाट इज रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, और फिर मैं एक एक करके सबसे डिस्कस करती हूँ कि क्या होता है. तो क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स. कौन बताएगा? हाँ वैभव बताइए. क्या होती है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स? हेलो. हाँ वैभव बताइए. मैम, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स इज द केस वेयर वी कैन स्टडी अबाउट वेलोसिटीज और अबाउट द मूविंग ऑब्जेक्ट्स कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट और एनीथिंग with relative to any other thing or object, frame of reference के through. ठीक है, काफी अच्छा. शिवांग बताइए. प्राची. मैम, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स इज इन दिस वी कैन कंपेयर द वेलोसिटीज ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट. नहीं देखो, अभी हम ऐसा नहीं कह सकते अभी हम, क्योंकि इसकी बात नहीं कर रहे कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम सिर्फ लाइट की वेलोसिटी को कर रहे हैं. स्पेशल थ्योरी और उसकी बात करेंगे तब हम लाइट की वेलोसिटी पे आएंगे. रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स तो जो हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी पढ़ के आ रहे हैं वो भी रिलेटिविस्टिक है. वहां पे भी हम रिलेटिव मोशन मेजर करते हैं, ऐसा नहीं है. तो द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील द रिलेटिव मोशन ऑफ बॉडी. शिवांग हाँ बताइए. मैम, इट द रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स रिलेशन ऑफ एन फिजिकल क्वांटिटी विद अ मोशन मूविंग बॉडी. हाँ तो वही अब मैं डेफिनेशन लिख पा रही हूँ. द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स लिखना स्टार्ट करिए. द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद रिलेटिव मोशन ऑफ बॉडीज. The branch of mechanics which deals with relative motion of bodies is called relativistic mechanics. Relativistic mechanics की definition हो गई है, लेकिन थोड़ा सा सुन लेते हैं. है क्या कि Newtonian mechanics जो हमारी deal करती है वो हमारी लो वेलोसिटी पे एप्लीकेबल होती है, और जैसे जैसे वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी को अप्रोच करती है वहां पे न्यूटोनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स हमारी फेल हो जाती है और लॉज जो है एप्लीकेबल नहीं होते हैं जब वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी को अप्रोच करती है. तो तब आइंस्टाइन ने नई थ्योरी दी जिसको हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, जो लाइट की वेलोसिटी पे एप्लीकेबल थी. जो ऑब्जेक्ट लाइट की वेलोसिटी को अप्रोच कर रहे हैं उन ऑब्जेक्ट्स पे, उन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे एप्लीकेबल थी. तो वो आइंस्टाइन ने थ्योरी दी. उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती है, हर एक मेजरमेंट को हमें रिलेटिव मेजरमेंट करना पड़ता है, चाहे वो लेंथ ऑफ स्टिक हो और लाइन हो, पोजिशन ऑफ डोर हो, वेलोसिटी ऑफ कार हो, हर एक चीज़ को हमें क्या है रिलेटिविस्टिक मेजरमेंट करना पड़ता है या रिलेटिव मेजरमेंट करना पड़ता है. लेंथ का केस था कि लेंथ को अगर हमारे पास कोई रॉड है और ये आपसे पूछा जाए कि ये लॉन्ग है शॉर्ट है, तो आप नहीं बता सकते हो जब तक हम इसे किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बोलेंगे. और अगर मैंने अनदर लाइन या स्टिक ड्रॉ कर दी तब मैं बता सकती हूँ कि जो मेरी पहली स्टिक है कि वो लॉन्ग है कि शॉर्ट है. जैसे मैंने बी लाइन ड्रॉ की तो मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरी ए रॉड है या स्टिक है वो लॉन्ग शॉर्टर है बी के कंपैरिजन में. वहीं पे ये ए रॉड मेरी लॉन्गर हो जाती है अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ कर देती हूँ सी, जो इससे शॉर्टर है. तो सेम रॉड लॉन्गर भी हो सकती है, शॉर्टर भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि हम किसके रिस्पेक्ट में इसकी लेंथ की बात कर रहे हैं. सिमिलरली पोजिशन की बात करें, दो पर्सन हैं, दोनों अपोजिट साइड में हैं, बीच में डोर है.
अब ये डोर की जो पोजीशन है किसकी लेफ्ट साइड में किसकी राइट साइड में है हमें बताना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं कि लेफ्ट साइड डोर है या राइट साइड में डोर है। तो डोर की पोजीशन भी ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। जो ऑब्जर्वर ए है उसके अकॉर्डिंग डोर की पोजीशन उसके लेफ्ट साइड में है, वहीं जो ऑब्जर्वर बी है उसके ये राइट साइड में डोर की पोजीशन है। तो पोजीशन ऑफ डोर भी क्या है, रिलेटिव हो गया। फिर वेलोसिटी की अगर हम बात करें, एक कार हमारी ए है जो 150 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रही है, दूसरी कार है अपोजिट डायरेक्शन में 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रही है, तो दोनों की वेलोसिटी आपस में किस रिलेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो वेलोसिटी अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम क्या करते हैं वेलोसिटी का, हम ऐड कर लेते हैं, एडिशन, हाँ एडिशन कर लेते हैं, ठीक है। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं उस केस में हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट माइनस कर देते हैं, हाँ ठीक है सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये वेलोसिटी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो हम कर रहे हैं तो क्या हुआ कि वेलोसिटी भी रिलेटिव हो गई। उसके अलावा टाइम हमारी लिए नॉर्मली अगर हम बात करते हैं पोजीशन के अकॉर्डिंग तो टाइम हम रिलेटिव बताते ही हैं कि हमारे लिए टाइम अलग है, अमेरिका में बैठे पर्सन के लिए टाइम अलग है। लेकिन आइंस्टाइन ने जो कंसेप्ट दिया वो वेलोसिटी के अकॉर्डिंग टाइम वेरिएशन में दिया, वो हम पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे कि वेलोसिटी के अकॉर्डिंग भी जो टाइम है वो चेंज होता है। पोजीशन के अकॉर्डिंग तो हम टाइम चेंज बताते हैं कि पे दो अलग अलग पोजीशन पे टाइम वेरी कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी के साथ टाइम चेंज होता है तो वो हमें आइंस्टाइन ने बताया। टाइम भी रिलेटिव हो गया, नॉर्मली अगर एक ही पोजीशन पे दो लोग हैं सेम प्लेस पे ऑब्जर्वेशन हो रहा है तो हम दोनों के लिए टाइम एब्सोल्यूट कंसीडर कर लेते हैं जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम करते हैं नॉर्मली। उसके अलावा टाइम हो गया, लेंथ हो गया, पोजीशन, वेलोसिटी। यहाँ पर हम वेलोसिटी की एक चीज और है, ये पी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और इधर हमारा सी पॉइंट है। मैं अगर आपसे कहूं कि इस पी पॉइंट की डिस्टेंस ए पॉइंट से 1 मीटर है और सी पॉइंट की ए पॉइंट से डिस्टेंस 1 मीटर है तो आप सी पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस बता सकते हैं? Yes, ma'am, 2 meters. 2 मीटर आपने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये जो एडिशन आपने यहाँ पे किया, यहाँ पे जो वेलोसिटी का एडिशन सब्ट्रैक्शन किया कि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस कर दे रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में कार चल रही है तो एडिशन कर दे रहे हैं, तो ये जो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं पोजीशन के केस में और वेलोसिटी के केस में ये आपको नोन है। बट अगर मैं आपसे बोलती कि मुझे बताओ आपको गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन पता है तो आप कहते कि नहीं पता। तो गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन ये जो आप वेलोसिटी का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, या पोजीशन का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं एक पॉइंट का पता है दूसरे का निकालने के लिए, तो एक्चुअल में ये गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ही है। चलिए तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन हो गया, मोशन हो गया, वेलोसिटी हो गई, किसी के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं। तो जिसके रिस्पेक्ट में हम मेजर कर रहे हैं उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम नॉर्मली क्या करते हैं, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ करते हैं, इसको एस फ्रेम कंसीडर करते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो रिलेटिविटी के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम हमेशा 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करेंगे, एक एस फ्रेम कंसीडर करेंगे, एक एस डैश फ्रेम कंसीडर करेंगे। प्लस क्योंकि हम पढ़ रहे हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, 2 तरह की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है, एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है। जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे एप्लीकेबल होती है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं अभी फिर डिफाइन करेंगे। और जो हमारी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है
वो हमारी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे अप्लाई होती है. हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़नी है तो जितने भी बार हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे हमेशा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करेंगे, और जितने भी डेरिवेशन करेंगे उसमें हमेशा हमें टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करके चलने पड़ेंगे, एस एंड एस डैश. तो पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन सुन लेते हैं क्या होता है. एनी सिस्टम रिलेटेड टू विच द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्क्राइब इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और क्या डिफाइन कर सकते हैं, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम रिलेटिव टू विच द पोजिशन एंड मोशन ऑफ अ बॉडी कैन बी डिस्क्राइब. लिखिए इसका आंसर. फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में हम मेजरमेंट कर रहे हैं, चाहे मोशन मेजरमेंट कर रहे हैं चाहे पोजिशन मेजरमेंट कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं. जैसे पीछे मैंने जो स्लाइड पे कहा कि ए पर्सन बैठा है और बी पर्सन बैठा है और डोर की पोजिशन ए के रिस्पेक्ट में क्या होगी और बी के रिस्पेक्ट में क्या होगी. अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में बता रही हूँ तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए हो गया, बी के रिस्पेक्ट में बता रही हूँ तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बी हो गया. तो लिखना स्टार्ट करिए. A frame of reference is a coordinate system. A frame of reference is a coordinate system. A frame of reference is a coordinate system relative to which a frame of reference is a coordinate system relative to which position and motion of body can be described. A frame of reference is a coordinate system relative to which the position and motion of body can be described. A frame of reference is a coordinate system relative to which the position and motion of body can be described. जो सामने definition लिखी है आप उसको भी लिख सकते हो, दोनों same ही हैं. A frame of reference is a coordinate system relative to which the position and motion of body can be described. There are two types of frame of reference, inertial frame of reference and non-inertial frame of reference. There are two types of frame of reference, inertial frame of reference and non-inertial frame of reference. There are two type of frame of reference, inertial frame of reference and non-inertial frame of reference. तो inertial की definition आपको मैं बताऊंगी और non-inertial की definitions आपको बतानी है. तो जितनी inertial की definition मैं बताऊंगी उतनी ही definition मुझे non-inertial की चाहिए, ठीक है. तो पहले inertial frame लिखेंगे और non-inertial फिर आप खुद लिखेंगे और आपसे मैं सुनूंगी भी सबसे एक एक करके. तो पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हेडिंग डालिए और फिर हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हेडिंग लिख लीजिए. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो लिखना स्टार्ट करते हैं. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं. दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच मूव विथ कॉन्स्टेंट और जीरो वेलोसिटी. दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस which move with constant or zero velocity. Zero velocity means at rest. ठीक है. Those frame of reference which move with constant velocity or at rest
is known as inertial frame of reference. First definition ho gayi, those frame of reference which move with constant velocity or at rest is known as inertial frame of reference. Second definition pe aate hain iski. Acceleration kya hoga? जब वेलोसिटी कांस्टेंट है या जीरो है तो एक्सीलेशन जीरो होगा. ठीक है, तो फिर हम इसके अब एक्सीलेशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन बताएंगे. अनएक्सीलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सीलेशन जीरो होने का मतलब एक्सीलेट नहीं हो रहे. अनएक्सीलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अनएक्सीलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. मैम फिर थोड़ा सा बोलिएगा. अनएक्सीलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सीलेशन नहीं है या लिख सकते हैं जिसमें एक्सीलेशन नहीं है उनको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हैं. डेफिनेशन आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन सही होना चाहिए, वर्डिंग्स जो होने चाहिए. तो अनएक्सीलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अनएक्सीलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अनएक्सीलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. Unaccelerated frame of reference is known as inertial frame of reference. Second definition ho gayi, third pe aate hain. External force, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं या रेस्ट में हैं तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगी. तो दोस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच एक्सटर्नल फोर्स is zero, those frame of reference in which external force is zero it does not exist is known as inertial frame of reference. Those frame of reference in which external force does not exist, yeah, act nahi hoti hai body pe, hai na? Does not exist is known as inertial frame of reference. अब ये लास्ट डेफिनेशन है इसकी. सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इसका मतलब अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट ही रहेगा, जीरो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा. तो यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड हो रहा है. तो दोस फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया is known as inertial frame of reference. या हम ये भी लिख सकते हैं कि इस तरीके के फ्रेम्स में जो बॉडीज हैं वो न्यूटन्स लॉ जो है होल्ड्स करती हैं. तो जो लैंग्वेज सूट करे वो लिख सकते हैं. A frame of reference is said to be inertial frame of reference when body in this frame obey Newton's law of inertia. A frame of reference is said to be inertial when bodies in this frame obey Newton's law of inertia. Example hai iska, car moving with constant velocity.
frame of reference is said to be inertial when body in this frame obey Newton's law of inertia. तो जो लैंग्वेज ठीक लगे लिखने में आपको इजी लगे वो लिख सकते हो या ये लिख सकते हो दोस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड्स इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. एग्जांपल है कार इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. अ कार इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. बिल्डिंग car is moving with constant velocity. Building a car is moving with constant velocity. Building, tree. Example hai inertial frame of reference ke. Hum non inertial frame of reference hai. Ab iski charo definition aap mujhe batayenge. Chaliye hand raise kar lijiye, main ek ek karke charo definition sabse sunungi. चलिए सत्यम पहली डेफिनेशन बताइए. दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच मूव विद वेलोसिटी व्हिच मूव विद अनयूनिफॉर्म वेलोसिटी और इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अनयूनिफॉर्म मींस नॉन यूनिफॉर्म मींस वेरिएबल वेलोसिटी. ठीक है सेकंड डेफिनेशन मुझे बताएंगे दीपांशु. दीपांशु मैम एक्सेलरेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. थर्ड डेफिनेशन मुझे बताएंगी सुभी. सुभी अवस्थी. Those frame of reference in which external force exists is known as non-inertial frame of reference. हाँ जिसमें external force होगी वो हमारे non-inertial frame of reference होंगे. ठीक है और last definition रोहित. मैम लास्ट कह सकते हैं कि दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच डज नॉट ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया. हां जिसके अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड नहीं होता है वो हमारे नॉन इनर्शियल होते हैं. तो चारों डेफिनेशन लिख लीजिए. मैं नहीं लिखवा रही हूँ बोल के. अब आपको चारों डेफिनेशन खुद से लिखनी है. सेम वही है जो हमारी इनर्शियल की है बस उसको अपोजिट कर दे. हाँ हाँ सबको लिखना है. मैं सबको टाइम दे रही हूँ. तो पहले केस में जब हमने लिखा था कि वी कांस्टेंट है उस केस में हम वी वेरिएबल लिख देंगे कि वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है. सेकंड केस में हमने कहा था एक्सेलेरेशन जीरो है यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेलेरेशन नॉट इक्वल टू जीरो है यानी कि एक्सेलेरेटेड फ्रेम है. थर्ड वाले में हमने एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो लिख दिया था यहाँ पे हम एक्सटर्नल फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो लिखेंगे तो मतलब एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट करेगी. और लास्ट वाले में न्यूटन्स लॉ डज नॉट होल्ड्स. तो सेम वही डेफिनेशन है. न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया डज नॉट होल्ड्स. लिखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. इज अर्थ इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस.
इज अर्थ इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. लो कर दिए. हाँ लो कर दीजिए, सब लोग कर दीजिए. मुझे क्वेश्चंस के आंसर जिसको देने हैं वही मुझे बताएगा कि कौन बताएगा इसको कि अर्थ इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. कौन बताने वाला है? सत्यम बताइए. नॉन इनर्शियल. नॉन इनर्शियल है अर्थ. ठीक है, क्यों नॉन इनर्शियल है? मैम वेलोसिटी चेंज होने में से क्योंकि सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट वेलोसिटी से मैं मूव करता है ना अर्थ. लेकिन मैम ये सर्कुलर पाथ में तो वेलोसिटी चेंज हो रही है. मैम वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है. मैंने कहा था कि एक एक करके बोलेंगे, सब बोलेंगे तो फिर आपको ही कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन क्या बोल रहा है. ठीक है, तो पहले सत्यम को पूरी बात करने देते हैं. हाँ सत्यम बताइए. मैम सर्कुलर पाथ में रेवोल्यूशन अर्थ करता है जिसके कारण मैम फ्रेम पे डिपेंड करता है. अगर हम अर्थ में तो ये इनर्शियल फ्रेम, अगर कहीं और से देखे तो नॉन इनर्शियल. ठीक है,
शिवांग बताइए आप. मैम इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन ऑब्जर्वर. मैम अगर कोई अर्थ पे होता है तो उसके हिसाब से तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि मैम अर्थ उसके रेस्पेक्ट में, उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रही है. एंड इफ वी ऑब्जर्व इट फ्रॉम द स्पेस देन वी कैन ऑब्जर्व दैट इट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिकॉज इट रिवॉल्व्स कंटीन्यूअसली अराउंड द ऑर्बिट. ठीक है, तो चलिए अब इसको लिखना. हाँ बिल्कुल ठीक है, चलिए लिखते हैं फिर इसको. दोनों है ये, तो इसका आंसर होगा अर्थ इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज वेल एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, लिखना स्टार्ट करिए. हाँ लिखना स्टार्ट करिए. अर्थ इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज वेल एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जर्वर. अर्थ इज inertial frame of reference as well as non-inertial frame of reference depending on observer. Earth is inertial frame of reference and non-inertial frame of reference depending on the observer. और हेडिंग इसमें लिखिए अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. पहले हमें बताना पड़ेगा कि नॉन इनर्शियल क्यों है, फिर हमें बताना पड़ेगा कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों है. तो पहले लिखिए अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. द अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिकॉज द अर्थ इज non-inertial frame of reference because the earth is non-inertial frame of reference because the earth is non-inertial frame of reference because it has acceleration due to spin motion about its axis. The earth is non-inertial frame of reference because it has acceleration due to spin motion about its axis and orbital motion around the sun. तो इसलिए नॉन इनर्शियल है क्योंकि एक्सलेशन है इसमें ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन की वजह से. अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया. अब लिखेंगे अर्थ इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. Earth is rotating about its axis. Earth is rotating about its axis due to which it has acceleration. But this is very small or negligible small, but this is negligible. फिर से बोल रही हूँ मैं. Earth is rotating about its axis. Due to which it has acceleration. But this is negligibly small. Therefore, any coordinate system. Fixed on Earth. Or moving with constant velocity
therefore any coordinate system, therefore any coordinate system fixed on earth or moving with constant velocity relative to earth, therefore any coordinate system fixed on earth or moving with constant velocity relative to earth to be inertial frame of reference. Therefore, any coordinate system fixed on the earth or moving with constant velocity relative to earth to be inertial frame of reference. जो कोऑर्डिनेट सिस्टम अर्थ पर फिक्स है, खाली अर्थ ही इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, जो इसके ऊपर कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स है उनको भी हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही कंसीडर कर रहे हैं, वो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और रेस्ट में हैं, या इससे अर्थ के रिस्पेक्ट में भी अगर हम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो भी हम क्या होंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे. मैम लास्ट टाइम फिर से बोल रही हूँ. देयरफोर एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स्ड ऑन अर्थ, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम अर्थ पर फिक्स है, जैसे ट्री हो गया, बिल्डिंग हो गया, फिक्स्ड है ना, और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू अर्थ टू बी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू अर्थ टू बी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू अर्थ टू बी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अर्थ तो इनर्शियल है ही, कंसीडर हो गया, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है नेग्लिजिबल स्मॉल हो गई. जो अर्थ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने फिक्स किया या इसके रिस्पेक्ट में हम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, उन फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी अब हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करेंगे. मैंने क्या कहा था, दो तरीके की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे अप्लाई हो रही है. तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे हो गए, एक्सीलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और एक्सीलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन से हैं, जो हमारे प्लैनेटरी मोशंस होते हैं, ग्रेविटेशनल लॉ होते हैं, सब में एक्सीलेशन होता है. तो उनको हम स्पेशल थ्योरी में नहीं रखते हैं, उनको हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में डिस्कस करते हैं. ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करते हैं. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन से फ्रेम है, जो अनएक्सीलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. तो जितना भी अब हम आगे थ्योरी पढ़ेंगे उसमें हम क्या करेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करेंगे. और लैंग्वेज में जो लैंग्वेज हम एक बार अब यूज करेंगे वही लैंग्वेज हमें आगे सब जितने भी डेरिवेशन हम करेंगे सब में वही डेरिवेशन में वही लैंग्वेज यूज होगी. रिलेटिविटी की खास बात यह है कि इजी तो है डेरिवेशन करने में, और डेरिवेशन ऑलमोस्ट अगर एक डेरिवेशन आपकी लैंग्वेज अगर आपको याद हो गई तो सब डेरिवेशन की लैंग्वेज याद हो जाएगी, सब में सेम प्रोसेस स्टार्ट होता है. लेकिन आपको विजुलाइजेशन करना पड़ेगा, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा. हम क्या करते हैं रिलेटिविटी के अंदर, नॉर्मली टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करते हैं. एक फ्रेम को रेस्ट में रखते हैं, एक फ्रेम को हम मूव कराते हैं, और दोनों को जो हम कंपेयर करते हैं वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म से लेके कंपेयर करते हैं, तभी समझ में आता है. जो रेस्ट में है फ्रेम हम उसको प्लेटफॉर्म कंसीडर करते हैं एस फ्रेम, जो मूव कर रहा है यानी कि ट्रेन उसको हम कंसीडर करते हैं एस डैश फ्रेम. तो उसके कंपेरिजन में हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं. तो कल जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पे होगा, जो हमें पढ़ना है गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. और मैं बता भी रही हूँ, कई बार बोल भी चुकी हूँ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आपको आती हैं, लेकिन आपको उसको कैसे ड्राइव किया या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम कैसे लिखते हैं वो नहीं आता है, वो हम सीखेंगे. वेलोसिटी का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पोजिशन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, आपको सब आता है, बस उसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देना है अब हमें गैलन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में. तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होती क्या है कि अगर हमें एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स या पोजिशन वेलोसिटी पता है और दूसरे के रिस्पेक्ट में हमें पोजिशन और वेलोसिटी निकालनी हो तो उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बोलते हैं. जो गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होती है ये लो वेलोसिटी पे एप्लीकेबल होती है. तो जब हमारे फ्रेम की वेलोसिटी लो वेलोसिटी होगी तो उसको हम गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बोलेंगे.
यहाँ से थोड़ा सा समझ लेते हैं, करेंगे तो कल ठीक है, और इस पर डिस्कशन भी कल ही करेंगे। मैंने आपसे क्या कहा कि हम क्या करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में, कि एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में हमें पता है और दूसरे के रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो नॉर्मली क्या करेंगे, अगर पोजीशन कंसीडर करनी है तो पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, लेंथ कंसीडर करनी है तो लेंथ रॉड ले लेंगे, टाइम कंसीडर करना है तो क्लॉक ले लेंगे, जो भी हमें जो भी मेजरमेंट करना है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चीज चेंज करते जाएंगे। जैसे अभी सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम पोजीशन और वेलोसिटी की निकालते हैं, तो हम गैलन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं। तो क्या करते हैं, एक फ्रेम एस कंसीडर करते हैं, दूसरा फ्रेम एस डैश कंसीडर करते हैं। तो जो लैंग्वेज इसकी मैं यहाँ लिखवा रही हूँ सेम, मतलब बोल रही हूँ सेम, यही लैंग्वेज हमारी ज्यादातर सारे डेरिवेशंस में होगी। लेट अस कंसीडर टू फ्रेम्स एस एंड एस डैश, एस इज एट रेस्ट एंड एस डैश इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हम क्यों मूव करा रहे हैं, फॉर सिंप्लिसिटी। ऐसा नहीं है कि एक्स डायरेक्शन में ही मूव करेगा, वाई में भी करा सकते हैं, जेड में भी करा सकते हैं, और एनी डायरेक्शन जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं ऐसे भी मूव करा सकते हैं। बट सबसे सिंपल केस होता है कि एक्स डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि फ्रेम एस डैश वी वेलोसिटी से विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में। तो इसको ट्रेन के और प्लेटफॉर्म के इमेजिन करके कंसीडर करिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इनिशियली क्या है, जो हमारी ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, जो हमारा लास्ट डिब्बा है इंजन का उसको हम ओरिजिन मान लेते हैं, जो उस डिब्बे का एंड पॉइंट है प्लेटफॉर्म का भी एंड पॉइंट है, तो दोनों का जो ओरिजिन है इनिशियली कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है। तो O और O डैश कॉन्साइड कर रहा है, दोनों एक ही जगह हैं इनिशियली जब दोनों रेस्ट में हैं। अभी हमारी ट्रेन ने चलना या मूव करना स्टार्ट नहीं किया। ट्रेन हम किसे कह रहे हैं, S डैश फ्रेम को, ठीक है। S डैश फ्रेम हमारी क्या हो गई, ट्रेन हो गई। ट्रेन से समझ में आ जाएगा बाद में, लेकिन S और S डैश ही लिखना है। यहाँ पे मैंने ट्रेन लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं है जब हम डेरिवेशन करेंगे तो ट्रेन लिखेंगे, ठीक है। हमारा एस फ्रेम क्या है, प्लेटफॉर्म है। तो नॉर्मली कितने भी हम डेरिवेशन करेंगे उसमें हम क्या करते हैं, एस फ्रेम को रेस्ट में रखते हैं और एस डैश को मूव करते हैं, तो ट्रेन हमारी मूव होती है और प्लेटफॉर्म हमारा फिक्स्ड पोजीशन पे रहता है। तो इनिशियली क्या कर रहे हैं कि दोनों का जो हमारा ओरिजिन है कॉन्साइड कर रहा है, ओ और ओ डैश एक ही जगह है। तो अगर मुझे ओ के रिस्पेक्ट में इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, एक्स वाई जेड, टाइम का कोऑर्डिनेट भी ले लेते हैं टी, और मुझे फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में भी पता है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश, तो मैं इन दोनों में रिलेशन बता सकती हूँ कि एक्स और एस डैश में रिलेशन क्या होगा इनिशियली जब टाइम जीरो है, मतलब ये या कह लीजिए अभी चलना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उस केस में मैं रिलेशन बता सकती हूँ कि एक्स इक्वल टू या एक्स डैश इक्वल टू एक्स, भाई यहां से दोनों ओरिजिन सेम है तो दोनों के लिए ये जो डिस्टेंस होगी है सेम होगी, ऐसे ही वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड एंड टी डैश इक्वल टू टी इक्वल टू जीरो इनिशियली, ठीक है। और क्योंकि हम गैलन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कर रहे हैं ये लो वेलोसिटी पे एप्लीकेबल होता है, तो टाइम चेंज होने पे दोनों फ्रेम के लिए टाइम भी अभी हम सेम ही कंसीडर करेंगे। यहाँ पे रिलेटिविटी नहीं लग रही है कि दोनों फ्रेम के लिए हमारा टाइम चेंज है, क्योंकि जो हमारा फ्रेम एस डैश है वो लो वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एस डैश जो फ्रेम है, हम क्या कह रहे हैं, जो हमारी एस डैश फ्रेम है वो ट्रेन है, वो मूव करनी है, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, ट्रेन मूव करना स्टार्ट हो गई,
एस फ्रेम तो उसी जगह फिक्स्ड है, एक्स वाई जेड, लेकिन जो हमारी ट्रेन है वो मूव करना स्टार्ट हो चुकी है। मूव किससे कर रही है, मैंने पहले ही बताया हमें क्या करना है, इनर्शियल फ्रेम कंसीडर करने हैं, तो v से मूव करेगी और v भी हमारा क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। हमने p पॉइंट को ट्रेन में कंसीडर किया है, वैसे हम इसको s में भी कंसीडर कर सकते हैं, तो मतलब पैसेंजर या कह लीजिए पैसेंजर को जो छोड़ने आया प्लेटफॉर्म पे ही रह गया है ना, तो प्लेटफॉर्म पे p पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, या पैसेंजर जो पैसेंजर ट्रेन में बैठ के जा रहा है उसको P पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। तो जो P की पोजीशन है X Y Z T एंड X डैश Y डैश Z डैश T डैश, हमें इनमें रिलेशन देखना है, क्योंकि क्या हुआ इनिशियली जब दोनों एक ही जगह थे, जिस टाइम ट्रेन प्लेटफॉर्म पे स्टडी स्टेट में थी उस टाइम पैसेंजर की जो पोजीशन है प्लेटफॉर्म के ओरिजिन से और ट्रेन के ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे थी, ठीक है, तो हमें कोऑर्डिनेट्स के रिलेशन पता था कि x डैश इक्वल टू x है, y डैश इक्वल टू y है, z डैश इक्वल टू z है और t डैश इक्वल टू t है। बट हमारी ट्रेन ने मूव करना स्टार्ट कर दिया v वेलोसिटी से, तो आफ्टर t टाइम ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, तो जो पैसेंजर की पोजिशन है वो ट्रेन में तो फिक्स है, सपोज ये ए वन कोच में बैठा था, फर्स्ट सीट पे ही बैठा था, तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में तो ये पोजीशन फिक्स है, यानी कि एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश तो फिक्स है, बट प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, यानी कि एक्स वाई जेड ये जो वैल्यू है ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, तो हम एक्स और एक्स डैश में जो रिलेशन निकालेंगे वो हमारी गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होगी, y और y डैश में, z और z डैश में, या t इक्वल टू t डैश ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमारा वेलोसिटी हम क्या ले रहे हैं, लो वेलोसिटी ले रहे हैं, और उस केस में हम टाइम को एब्सोल्यूट कंसीडर करते हैं, तो t इक्वल टू t डैश ही रहना है, तो जितना इसके लिए टाइम हुआ ट्रेन को चले हुए उतना ही टाइम ट्रेन में बैठे पैसेंजर के लिए भी हुआ चले हुए, ठीक है, तो उस केस में t इक्वल टू t डैश हम कंसीडर करते हैं, तो इनके बीच में रिलेशन निकालना है कि x इक्वल टू x डैश क्या होगा, y इक्वल टू y डैश इक्वल क्या होगा, z इक्वल टू z डैश कितना होगा। अभी इस पैसेंजर की पोजीशन मैंने फिक्स कर दी है, लेकिन अगर याद हो ऐसा थोड़ी है पैसेंजर ट्रेन, जो पैसेंजर ट्रेन में बैठा है वो बैठा ही रहेगा, मूव भी कर सकता है, उसकी भी कुछ वेलोसिटी हो सकती है, अगर वो मूव करने लगे, सपोज वो मूव करने लगे यहाँ पे u वेलोसिटी से, अभी मैं क्या बोल रही हूँ कि जो पैसेंजर है ये भी मूव करने लगे, देखा भी होगा ट्रेन की छत पे जो है, देखो हीरो हीरोइन जब मूवी देखते हो तो दौड़ते हुए दिखते भी हैं, तो अगर हमारा पैसेंजर u डैश वेलोसिटी से विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s और u वेलोसिटी से विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s मूव करने लगे, तो इस u डैश u और v में क्या रिलेशन होगा, अगर हम ये रिलेशन निकाल लें तो इसको हम गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहेंगे। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा, हमें क्या करना है, टू फ्रेम कंसीडर करने हैं, एक फ्रेम हमारा s है, एक फ्रेम हमारा s डैश है, एक फिक्स्ड पोजीशन पे है रेस्ट में है, एक फ्रेम हमारा मूव कर रहा है, जो रेस्ट में है उसको हमने प्लेटफॉर्म कंसीडर कर लिया, जो मूव कर रहा है उसको हमने ट्रेन कंसीडर कर लिया, एक पैसेंजर है p पॉइंट जो फ्रेम s डैश के अंदर बैठा हुआ है रेस्ट में है, उसकी कोऑर्डिनेट x y z t x डैश y डैश z डैश t डैश है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s एंड s डैश, इनके कोऑर्डिनेट इनिशियल e क्या थे और आफ्टर t टाइम बाद क्या कोऑर्डिनेट में रिलेशन होगा, उनका रिलेशन अगर हम ड्राइव कर लें उसको हम गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहेंगे, अगर हम ये कहें कि ये पैसेंजर भी मूव करने लगा तो पैसेंजर की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू s और s डैश
उसके बीच में हम रिलेशन निकाल लें तो वो गैलन ट्रांसफॉर्मेशन वेलोसिटी का होगा, फिर एक्सलेशन भी निकाल लें तो एक्सलेशन का रिलेशन होगा गैलन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में, ठीक है। तो ये हम कल करेंगे, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। रुकिए, हाँ जी बताइए, जो मैंने यहाँ गैलन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बताया कितना समझ में आया, या ये कल ही पूछें, कल ही डिस्कस करते हैं। थोड़ा थोड़ा बेसिक समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा बेसिक समझ में आ गया तो कल और अच्छे से आ जाएगा। तो जितना मैंने इसको बताया इतना सोचना ट्रेन और प्लेटफॉर्म और पैसेंजर के बारे में, फिर हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम गैलन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन समझेंगे, ठीक है। तो कल गैलन ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ हाँ बताइए मैम, अभी हमने इसमें एस और एस डैश को के रेस्पेक्ट में हम देखें तो सिर्फ एक्स और एक्स डैश में रिलेशन निकालने पे गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, अगर हम सोचे कि ये पैसेंजर मूव नहीं कर रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ यही लिया है कि वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मूव कर रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अभी अभी हम क्योंकि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट में ही चेंज होता हुआ दिखेगा। वाई तो फिक्स है, हाइट तो फिक्स है और जेड भी फिक्स है, तो वो चेंज नहीं हो रहा है। हाँ हाँ तो वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, समझ में आ रहा है मतलब सौरभ तुम्हें। अगर y में मूव कराते तो सिर्फ y में चेंज होता दिखता, z में कराते तो सिर्फ z चेंज होता। और अगर मैं वेलोसिटी ऐसी ले लूं कि तीनों डायरेक्शन में मूव हो रहा है, जैसे कि हमारा प्लेन तीनों में निकालना पड़ता, तो अभी पहले हम x डायरेक्शन का ले रहे हैं, फिर तीनों को कंबाइंड करके भी देख लेंगे। ओके मैम, ओके ठीक है, बिल्कुल ओके मैम, ओके चलिए फिर कल कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके आप लीव कर सकते हैं मीटिंग। ओके गुड डे, ओके मैम, गुड आफ्टरनून।